गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम याशिका और आज की न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल मेकअप लुक, या आप इसको दुर्गा पूजा मेकअप लुक भी समझ सकते हो। दोनों के लिए ही बहुत अच्छे से होने वाला है तो बहुत ही इजी रखूंगी, बहुत ही मिनिमल रखूंगी, क्योंकि फेस्टिव मोड्स में ये होता है कि आपको बहुत क्विक टाइम में जल्दी से तैयार होकर आपको जाना होता है दुर्गा पूजा पंडाल में। किसी नवरात्रि के ऊपर आपको बुलाया गया होता है, इन्वाइट किया गया होता है, उस पर तो बहुत क्विक सा इजी सा मेकअप लुक रखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है। मैंने फेस वॉश करने के बाद यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज किया है। इसके बाद मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स की सैफरन डे क्रीम यूज कर रही हूँ। देन मैंने प्राइमर ब्लू हेवन का यूज किया है, और जब तक प्राइमर सेट होता है तब तक मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी विद वेट एंड वाइट की आईब्रो किट के साथ, अच्छे से शेप देते हुए। फिर मैं अपने जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है उनको ऑरेंज कंसीलर से कंसील कर लूंगी। जैसे कि अभी मेरे को पिंपल भी हुआ था, उसका मार्क है, तो मैं उसको भी हाइड करूंगी। अब मैं डार्क सर्कल्स को भी हाइड करूंगी, और अपने माउथ अराउंड और फोरहेड पे जो ब्लैकनेस है उसको भी थोड़ा हाइड करूंगी। देन यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का 230 शेड नंबर, और इसको स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। ये ब्रश मैंने फर्स्ट टाइम यूज करी थी, मुझे काफी अच्छी लगी है ये। देन अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ NYB का कॉम्पैक्ट विद SPF 40, काफी अच्छे वाला कॉम्पैक्ट है ये, और ये भी मैंने इसी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट मैं अपनी फेस के ऊपर कंटूर करूंगी, जिसके लिए मैंने यूज करी है सिवाना कलर्स की चिक एंड कंटूर पैलेट। मैंने एक कंटूर ब्रश की हेल्प से कंटूर किया है, और काफी शार्प कंटूर नहीं किया, मतलब थोड़ा मीडियम कंटूर में ही रखा है मैंने। चीक्स, जॉ लाइन और अपने नोज और अपने फोरहेड को आप कंटूर करेंगे अच्छे से। अब मैं सेम पैलेट के अंदर से दोनों ब्लश शेड को पिक करके मिक्स करके अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पे अच्छे से ब्लेंडेड वे के अंदर। अब मैं अपने बेस को फिक्स करने के लिए यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, काफी अच्छे वाला मेकअप फिक्सर है। देन मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी, जो की मेबेलिन मास्टर क्रोम का मोल्टन रोज गोल्ड जो शेड है वो है। हाइलाइटर मैंने चीक्स के ऊपर, अपनी नोज के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, क्यूपिड्स बो और चिन के ऊपर अप्लाई किया है। आई मेकअप के लिए मैंने लिए यहाँ पे रेवोल्यूशन की प्रो HD इनोवेशन पैलेट, उसमें से सबसे लाइट शेड लिया है मैंने अपना फर्स्ट ट्रांजिशन शेड देने के लिए। नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा डार्क सा कलर लूंगी और उससे अपना सेकेंड ट्रांजिशन शेड दूंगी अपनी क्रीज के ऊपर। थर्ड शेड लिया है मैंने थोड़ा मोविश पिंक सा कलर, और इसको अपनी क्रीज पे ब्लेंड करते हुए अपने आउटर वी तक ब्लेंड करूंगी मैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, इसमें सारे शेड्स जो हैं वो शिमरी शेड्स हैं, और इसमें से मैंने ये वाला शेड पिक किया है। ये थोड़ा गोल्डन और सिल्वर का दोनों का टच दे रहा था, इसलिए मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया, और इसको फिंगर से ही अप्लाई किया है मैंने। आप देख सकते हो ये नेचुरल लुक दे रहा है, एकदम कट क्रीज जैसा। नेक्स्ट मैं कर्लर की हेल्प से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी, जिससे मेरी लैशेस कर्ल और लेंथन और वॉल्यूमिनाइज लगे। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का मस्कारा। ब्लू हेवन का ये जो मस्कारा है ये काफी अच्छे वाला मस्कारा है, अभी आप डिफरेंस देख सकते हो मेरी दोनों लैशेस के अंदर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ NYB की काजल पेंसिल, काफी अच्छे वाली काजल पेंसिल है, एकदम जेट ब्लैक शेड देती है ये आपको। अब मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर्स को और अपनी जो ब्रो बोन है उसको हाईलाइट कर लूंगी शिमर शेड की हेल्प से। ऑफ कैमरा मैंने स्विस ब्यूटी की लैशेज अप्लाई कर ली थी, जिसमें मैंने जो ली है वो है पिक्सल, ये न्यूली लॉन्च्ड है और मुझे काफी अच्छी लगी हैं ये लैशेज। अब मैं अपने लिप्स को लिप लाइन कर रही हूँ NYB की रनवे रेंज लिपस्टिक के साथ, जिसका शेड है क्लोजर 18। ये थोड़ा मजेंटा टच के अंदर है लुक, बट ये आपको कैमरा के अंदर थोड़ा फूशिया पिंक सा लग रहा है, बट ये मजेंटा कलर है। सो गाइज यहाँ पे मैंने ज्वेलरी और बिंदी के साथ अपने लुक को कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। सो गाइज यही थी आज की मेकअप लुक वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसे लगा, और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यहाँ मेरा हैंडल आ रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा।
और सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।